तुम कब जाओगे और तिथि के क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। दो क्वेश्चंस रह गए हैं, डिस्कस करने के बाद हम नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, ये हमने कर लिया था। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? कौन सा आघात अप्रत्याशित था? लेखक पर ऐसा कौन सा आघात हुआ था जो अप्रत्याशित था? आपके पास है ना कॉपी? ओके, बोलिए। बात ने कहा कि लेखक को उसे अपने कपड़े धोबी से धुलवाने की बात की, तब लेखक लेखक सुनकर जो आघात लगा वह अप्रत्याशित था, लेखक हमला अप्रत्याशित, जिसे हमने सोचा भी नहीं था। आघात मतलब हमला, बिना सूचना के जब कोई हमला हो, आपको पता ही नहीं है कि हमला होने वाला। और शादी भक्त हो गई थी, लेखक ने पितर को खिचड़ी में बदल दिया। अगर अब तब वह नहीं किया, अगर तब भी वह नहीं किया तो उपवास भी बनने की जरूरत पड़ सकती थी। अब अदिति राक्षस की भांति का था। ओके, ये स्पेलिंग है तीसरे, ठीक है। लेखक के लिए अप्रत्याशित आघात कौन सा था? जब लेखक सोच रहा था कि अब अतिथि को चले जाना चाहिए, लेकिन तीसरे दिन भी वह नहीं गया और उसने ये कहा कि उसे अपने कपड़े धोबी को देने हैं। यह एक अप्रत्याशित आघात था और इसके बाद लेखक पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? लेखक की सहनशीलता खत्म हो गई, अतिथि के लिए जो एक स्नेह था वो समाप्त हो गया था, लेखक को अतिथि दानव लगने लगा था, देवता नहीं दानव लगने लगा था या राक्षस लगने लगा था, और वह सोचने लगा था कि अब इसे चले ही जाना चाहिए। उसके लिए सम्मान में, उसके सम्मान में जो डिनर या लंच उसे खिलाया गया था, वह अब खिचड़ी का रूप ले चुका था और अब उपवास तक रखने की नौबत आ गई थी, ठीक है। अपने शब्दों में लिखिए व्रत, कि खाना ही नहीं देंगे उसको, व्रत रखवाएंगे, उपवास, ठीक है, क्लियर। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, संक्रमण क्या होता है? इन्फेक्शन, बीमारी, इन्फेक्शन होता है ना, संक्रमण फैल जाना, है ना। जैसे किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग हो जाता है, संक्रमित हो जाते हैं लोग, संक्रमण फैल जाना। उसे अब लगने लगा था कि उनके संबंध जो है वो संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, जैसे कोई बीमारी हो जिससे कोई व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। जब किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और उस बीमारी से वह छुटकारा पाना चाहता है, किसी संक्रमण से गुजरता है, तो व्यक्ति यह सोचता है कि जल्दी से जल्दी वह संक्रमण खत्म हो जाए। इसी तरह से लेखक को अब अपने और अतिथि के संबंध संक्रमण के दौर से गुजरते हुए लग रहे थे। उसे लग रहा था कि अतिथि से उसे अब जल्दी ही छुटकारा मिल जाए, अतिथि को अब चले जाना चाहिए, जैसे एक बीमारी खत्म हो जानी चाहिए वैसे ही अब अतिथि को उसके घर से चले जाना चाहिए था। क्लियर, डाउट एनी? कीर्तिमा एनी डाउट बेटा? ब्रिजेश एनी डाउट? ब्रिजेश एनी डाउट? अटेंडेंस ओके? नहीं है बेटा। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए?
ओके लेखक के व्यवहार में कई परिवर्तन आए, उसे अतिथि अब देवता नहीं राक्षस लगने लगा था। वह चाह रहा था कि अतिथि जल्दी से उसके घर से चला जाए। उसके लिए जो डिनर या लंच बनाया गया था अब उसकी जगह खिचड़ी परोसी गई और उपवास तक रखने की नौबत आ चुकी थी। लेखक के पास अतिथि से करने के लिए कोई अतिथि के साथ करने के लिए कोई भी बातें शेष नहीं बची थी और अब उसके मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि अगर अतिथि नहीं जाएगा तो वह उसे गेट आउट तक भी कह देगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? दीज आर द क्वेश्चंस आपने नोटबुक में करने हैं, सबके टू पार्ट्स, फर्स्ट टू पार्ट्स। सब हाँ जी, टू फर्स्ट टू, ठीक है, क्लियर। चले आगे, इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट लेकर देखना है, देख लो, ग्रामर पार्ट है ना, ग्रामर हमारे टर्म टू में है ही नहीं इसलिए नहीं होगा। शब्द अर्थ आपको गद्यांश पद्यांश में पूछे जा सकते होते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है, गद्यांश या पद्यांश में, सॉरी। हाँ एक बार देख लेना, जसप्रीत एनी प्रॉब्लम बेटा, गगन कोई प्रॉब्लम? चलो आगे शुरू करें नेक्स्ट चैप्टर। ओके हमारे नेक्स्ट पार्ट का नाम है धर्म की आड़। धर्म की आड़ लिखा गया है गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा, लेखक का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, पाठ का नाम है धर्म की आड़। धर्म मतलब रिलीजन, आड़ मतलब उसके माध्यम से, उसकी आड़ में, उसको आगे रखकर उसके पीछे छुपकर कोई काम करना, धर्म को आड़ बनाकर कोई काम करना। ठीक है, लेखक के बारे में पहले पढ़ते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। मुलाजिम मतलब एम्प्लॉई। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े साहित्यकार हुए। जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, उत्तर। हाँ जी, नहीं हमें पता होना चाहिए, कुछ कंफ्यूजन कीर्तिमा? उत्तर प्रदेश के, आपकी बुक्स में क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, इसको अंडरलाइन करिए, ये कंफ्यूजन है। इस बुक में लिखा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, इन बुक्स में लिखा है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। हम लोग इसे ढूंढेंगे, ठीक है, आज इसे ढूंढेंगे, फाइंड आउट, ठीक है। विद्यार्थी आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आजादी की अलग जगाने वाले
रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज्यादातर समय जेलों में बीता। उस समय पता है ना स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, लोग भारत को आजाद करवाने के लिए तत्पर थे, भारत आजाद होना चाहिए। बहुत सारे लेखक ऐसे हुए, कवि ऐसे हुए जिन्होंने लोगों में आजादी की भावना को पैदा किया, और इन लोगों ने जेलों में जाकर भी साहित्य लिखना नहीं छोड़ा, वहां से भी लिख लिख कर लोगों को प्रेरित करते रहे। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली, वे इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मजर सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी जी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। गरीब लोग, सताए हुए लोग, देश की आजादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य, कृत्य मतलब काम या परंपरा को वे आड़े हाथों लेते थे। आड़े हाथों लेना मतलब उसका विरोध करना, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। देश की आजादी उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। खबर लेते थे मतलब डांटते थे, विरोध करते थे उनका। उनकी भाषा सरल सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। सीधी सादी लैंग्वेज होती थी, भाषा होती थी, लेकिन ऐसे शब्द होते थे जो सीधा सीधा प्रहार करते थे, जो सीधा सीधा विरोध करते थे, बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियां हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। छोटी सी बात है, जैसे धर्म को आधार बनाकर लोग दूसरे लोगों को लूटते हैं, इसका मतलब समझते हो, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। तुम्हारा धर्म ये कहता है तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तुम ऐसे करो। हाँ, सबसे बड़ी बात, ठीक है, धर्म को आधार बनाकर धर्म की आड़ में बुरे काम करना, गलत काम करना, वो इस पाठ में उन्होंने बताया है कि धर्म की आड़ में लोग क्या क्या करते हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है, उस समय भी थी अब भी है। धर्म सर्वोपरि, लोग मानते हैं इसको, है ना, उत्पात किए जाते हैं, उत्पात मतलब लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं, पता है हम सबको। तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है, तो धर्म और ईमान के नाम पर उत्पाद किए जाते हैं, तो धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जाती है, तो धर्म और ईमान के नाम पर अपनी बात मनवाई जाती है धर्म के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियां धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने को तैयार हो जाते हैं। जिस अपने ही धर्म को वो नहीं जानते, हर धर्म में कहते हैं भगवान एक है, लोग इस बात को माने या ना माने, जहां कहीं फायदा नजर आता है, जहां कहीं लगता है कि हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, धर्म को आड़ बनाकर धर्म के नाम पर
लड़ाइयां करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जान लेने और जान देने को तैयार हो जाते हैं, मरने मराने तक को तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वे कुछ भी समझता बूझता नहीं और दूसरे लोग इसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। जोतना मतलब बैल होते हैं ना, बैल जो खेत जोतते हैं, है ना, खेतों में काम करते हैं ना वो, है ना, उनको बांध दिया जाता है, उनको जोत दिया जाता है और वो जुट जाते हैं अपने काम में। इसी तरह से देश के जो आम लोग हैं, आम जनता, आम लोग, बहुत बार ऐसा देखा होगा लोगों का हुजूम जा रहा है, एक रैली निकल रही है, उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको बेसिक बात पता ही नहीं होगी कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी ने कहा, किसी ने समझाया, तो हम उनके साथ हो लिए। हो सकता है ऐसा, है ना, वही बात इन्होंने कही है। दूसरे लोग उधर उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है, उधर चल पड़ता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरजे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों को लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। जाहिल जो पढ़ा लिखा नहीं, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अकेले तो वो कुछ कर नहीं सकते, उन्हें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो सच्चाई, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उनके पीछे लगे, उनको माने, जिनको हथियार बनाकर वो अपने काम करवा लें, अपना मतलब सिद्ध कर लें। दोष उस व्यक्ति का नहीं है जिसे कोई समझ नहीं है, असल में दोष उस व्यक्ति का है जो ऐसा काम करवा रहा है। ठीक है, कुछ चलते पुरजे पढ़े लिखे लोगों का, चलते पुरजे मतलब जिनकी थोड़ी पहुंच होती है, चलते पुरजे होते हैं जो कोई काम करवा सकते हैं किसी का, कोई उनके पास आया, मेरा ये काम करवा दो वो काम करवा दो, हाँ हाँ करवा देते हैं करवा देते हैं, हो जाएगा कर देते हैं। कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं समाज में जिनके पास शक्तियां होती हैं, उत्साह भी होता है, एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन मूर्ख होते हैं, बात को समझते नहीं है, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो चलते पुरजे होते हैं वो उनकी शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं, और जाहिलों के बल के आधार पर अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम करना चाहते हैं, लीडरशिप, लीडर बनना चाहते हैं उनके दम पर जो मूर्ख हैं। इसलिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी, सुगम मतलब आसान, जहां जाना आसान हो, सुगम आसान। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम इन लोगों को धर्म के बारे में कुछ कहेंगे, धर्म के बारे में हम बोलेंगे, अगर हम धर्म के नाम पर कुछ काम करवाना चाहेंगे, उन्हें डायरेक्ट नहीं बताया जाता, इनडायरेक्ट वे से उन्हें कह दिया जाएगा, सीधा सीधा ना कहा जाए, उनसे इनडायरेक्ट वे से काम करवा लिया जाए कि हमारा धर्म ये कहता है हमें ऐसा करना चाहिए। और बहुत बार जो व्यक्ति कर रहा है जिसे मूर्ख कहा है, उसे पता भी नहीं होता कि वो गलत कर रहा है, ये गलत हो रहा है, बहुत बार ऐसा भी होता है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है, वाजिब मतलब सही, ठीक।
हर व्यक्ति अपने धर्म को बहुत ऊंचा मानता है, ठीक है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, मुझे अपने धर्म को बचाना है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, उसे भगवान पता है, उसे ईश्वर पता है, उसे अपना धर्म पता है, उस ईश्वर के लिए, उस धर्म के लिए, उस भगवान के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वो इतना बेचारा है कि वो धर्म के तत्वों को नहीं जानता। उसके माध्यम से उससे क्या करवाया जा रहा है, उन लोगों को नहीं पहचान पाता वो जो गलत लोग हैं। लकीर पीटते रहना ही वे अपना धर्म समझता है। लकीर पीटते रहना, लकीर क्या, फकीर बनना, जो पहले से चलता आ रहा है उसी रास्ते पर चलते रहना वो अपना ईमान मानता, धर्म मानता है, ये मेरा धर्म है, ये कहता है कि ऐसे करना चाहिए तो मुझे ऐसे ही करना है, मुझे उस लीक से हटना नहीं। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। वो एक साधारण आदमी है, उसे कुछ नहीं पता, और जो चालाक लोग हैं उससे फायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। अट्टालिकाएं, बड़े बड़े गुंबद, बड़ी बड़ी इमारतें, जो अमीर लोग हैं और अमीर होते जाते हैं, बड़े बड़े घर हैं, और जो गरीब हैं जिनकी झोंपड़ियां हैं जैसे उनका मजाक बन रहा है। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और धनी होते हैं, और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। गरीब से काम करवाते रहो, करवाते रहो, करवाते रहो, और खुद और अमीर और अमीर और अमीर होते रहो। यह भयंकर अवस्था है, बहुत खराब अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। कुछ इज़म्स होते हैं, पता है इज़म्स होते हैं, आइडियोलॉजीज, इज़म्स, अलग अलग इज़म होते हैं, उन्हें अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। और कहते हैं इसी से साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, अब है, जब ये पाठ लिखा गया था तब इतना ज्यादा नहीं था, पर अब हमारे देश में बहुत धनपति हो गए हैं, ठीक है। जब ये पाठ लिखा गया तब उस समय इतना ज्यादा जोर नहीं था। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। थोड़े लोग हैं, बहुत सारे करोड़ों आदमियों की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं थोड़े लोग, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने काम सीधे करवाने के लिए। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना, धनाढ्य मतलब अमीर, इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि वहां है धन की मार, यहां है बुद्धि पर मार। अगर आप किसी को धन कम दें, गरीबों से काम करवाएं, उन्हें ज्यादा धन ना दें, लेखक के अनुसार वो इतना बुरा नहीं है। ज्यादा बुरा है किसी की बुद्धि को मार लेना, किसी मूर्ख व्यक्ति को और मूर्ख बना देना, किसी की बुद्धि को हर लेना, उसमें सोचने समझने की शक्ति का ना रहना, ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बुरा ये है। लेखक के अनुसार ज्यादा बुरा ये है कि जब किसी दूसरे की बुद्धि को मार दिया जाए, उसे सोचने समझने के योग्य ही ना छोड़ा जाए, ठीक है। वहां धन दिखाकर लोग करोड़ों को वश में किया जाता है, और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है,
लोगों को पैसों का लालच दिया जाता है और अपने वश में किया जाता है, और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोर दिया जाता है। पहले धन का लालच दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा काम करोगे इतने पैसे मिलेंगे, और लोग धन के लालच में आ जाते हैं और उन्हें धन का लालच देकर काम करने के लिए जोत दिया जाता है। मन चाहा काम पैसों के लालच में उनसे करवाया जाता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है भारत में, किस तरह की स्थिति थी, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।